नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको बेहतरीन शेयर्स के बारे में बताते रहते हैं, उसके लेवल्स और टारगेट के बारे में बताते हैं, कौन सा एंट्री पॉइंट होना चाहिए और क्या मार्केट के साथ आपको करना है। मार्केट में अगर करेक्शन आता है तो आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। कभी भी जब मार्केट गिर रहा है तो आपको इन्वेस्ट नहीं करनी है, जस्ट मार्केट को करेक्शन का वेट करना है। मार्केट में करेक्शन आता है, गिरावट आता है, उसी समय आपको इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, ये सारे जो बेहतरीन शेयर बता रहे हैं इसको गिरावट में आपको बाय करना है, गिरावट में इन्वेस्ट करना है। अभी जो मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई चल रहा है तो अभी आपको इन्वेस्ट करना से बचना चाहिए, क्योंकि अभी सारे शेयर्स काफी ज्यादा रैली कर चुके हैं, काफी ज्यादा अपने हाई पे जा चुके हैं। ऐसे में जस्ट आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। अभी कभी भी जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा हो तो उस समय इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतरीन समय होता है जब मार्केट में गिरावट आया हो, तो आपको गिरावट का वेट करना चाहिए। जैसे गिरावट आता है वैसे ही आपको इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा बेहतरीन शेयर है वो हमारा जुबिलेंट फूड। इसके बारे में हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं कि जुबिलेंट फूड एक बेहतरीन शेयर है जो काफी और काफी अच्छा शेयर है। तो जुबिलेंट फूड में आपको जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन तब करना चाहिए जब गिरावट आए। मार्केट में जिस समय गिरावट हो उस समय आप जुबिलेंट फूड में इन्वेस्ट कीजिए। तो जुबिलेंट फूड एक बेहतरीन शेयर है और अभी इसका करेंट प्राइस है 2618 रुपीज। तो दोस्तों, देखते हैं काफी बेहतरीन प्राइस इसका अभी है, तो अभी आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपने इसमें इन्वेस्ट किया था या अपने पोजिशन ट्रेडिंग के लिए इसमें ट्रेड लिया था, तो अभी बहुत अच्छा मौका है स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए, पोजिशन ट्रेडिंग वालों के लिए प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। कभी भी एक थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन दिखा सकता है, तो मार्केट में करेक्शन दिखाने से पहले आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। दोस्तों, जब भी हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट पर हम स्टॉक को देखते हैं, स्टॉक हमारा बुलिश है या नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए जो स्टॉक है वो बुलिश में होना चाहिए, तभी हमको प्रॉफिट होता है। तो जो इन्वेस्टर होता है उसके लिए तभी प्रॉफिट होता है जब हमारा शेयर जो है लो प्राइस से हाई प्राइस की ओर जाए। तो यहाँ पर हम सपोर्ट और लेवल्स देखते हैं मंथली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर और डेली चार्ट पर। जब हमारा व्यू जो है 5 इयर्स का होता है, 10 इयर्स का होता है, तो मंथली चार्ट को फॉलो करना है, और जब आपको 1 साल 2 साल के लिए है तो वीकली चार्ट को फॉलो करना है, और जब आपका मंथ 2 मंथ की बात हो तो डेली चार्ट पर आपको फॉलो करना है। तो मंथली चार्ट पर देखते हैं, इसमें एक बार यहाँ पर जो है स्टॉक में वीकनेस आया था 2016 में, देखते हैं 2015-16 में, फिर 17 में ये यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम दिखाया है। तो 2017 के बाद ये कभी भी स्टॉक अपना वीकनेस नहीं दिखाया। तो 2017 के बाद ये स्टॉक टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग है, इसका चार्ट जो है काफ़ी सॉलिड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2017 के बाद इस स्टॉक पर कभी भी वीकनेस नहीं आया है, कभी भी कोई कमजोरी इस स्टॉक में नहीं आया है। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। अगर आप वीकली चार्ट पर देखें तो 2017 के बाद स्टॉक काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है। वीकली चार्ट पर देखें तो वीकली चार्ट पर ये स्टॉक काफ़ी मतलब स्ट्रांग है। यहाँ पर देखते हैं कभी भी अपना प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है। तो मंथली चार्ट पर भी काफ़ी सॉलिड है, वीकली चार्ट पर भी काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, और जब जब इसमें गिरावट आया है एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ है इन्वेस्टर के लिए। तो आप इस पर वीकली चार्ट पर जब भी गिरावट आए तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। तो गिरावट का हमेशा वेट करना चाहिए आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के मौका के लिए। अभी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो यहाँ पर डेली चार्ट पर देखते हैं। तो डेली चार्ट पे ही आपको मतलब ढूंढना है कब स्टॉक जो है गिरावट में आता है, तो उस समय आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से करेक्शन आता है स्टॉक में, तो सबसे पहला जो सपोर्ट बन करके आएगा वो होगा 2400, क्योंकि ये पहले रेसिस्टेंस के तरह काम करता था। तो जो पीछे रेसिस्टेंस था अब वो इसका सपोर्ट के जैसा काम करेगा। तो 2400 पहला सपोर्ट होगा। अगर मार्केट में गिरावट आती है, स्टॉक में गिरावट आती है, उस सपोर्ट को तोड़ता है, तो पिछला जो सपोर्ट है 2200 यहाँ पर होगा। अगर ये अपने सेकेंड सपोर्ट 2200 को तोड़ता है तो एक बड़ा यहाँ पर आपको गिरावट आपको देखने मिल सकता है, जो कि गिरावट 1800-1700 तक का हो सकता है। तो सबसे पहला जो आपको वेट करना है 2400 का, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर 2200 का वेट करना है, और यहाँ से मतलब अगर ब्रेक करता है तो जो भी लेवल्स आपको मिलेगा उस लेवल पर आपको जितना क्वान्टिटी हो, जितना हैवी क्वान्टिटी हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट मतलब ये स्टॉक जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके फंडामेंटल्स की भी चर्चा हम करेंगे वीडियो के लास्ट में। टेक्निकली आपने देख लिया, पहला सपोर्ट है 2400, दूसरा है 2200, तीसरा सपोर्ट है 1800। तो ये सारे सपोर्ट लेवल्स हैं, तो पहला सपोर्ट का ही आपको वेट करना है। अगर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आती है या स्टॉक में काफ़ी कुछ खराब न्यूज आ जाती है, जो टेम्प्रोरी बेसिस पर होना चाहिए। अगर परमानेंट न्यूज खराब है, मतलब कंपनी का बिजनेस खराब हो गया, चाहे कंपनी का फंडामेंटल्स खराब हो गया,
तो आपको इन्वेस्ट करने से बचना है। तो इन्वेस्टिंग के लिए वही स्टॉक बेहतरीन है जिसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हो। तो फंडामेंटल्स बेहतरीन रहता है तो टेम्प्रोरी कोई न्यूज होता है तो वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है इन्वेस्टर के लिए। तो अपने अपॉर्चुनिटी को इंतजार करें और अपॉर्चुनिटी का फायदा जरूर लें। अब टारगेट की बात करें तो इन्वेस्टर के लिए ऊपर का जो टारगेट है वो कोई फिक्स नहीं है कि तो जो स्टॉक है हमारा वो 3,000-5,000 भी जा सकता है लॉन्ग टर्म में। तो आप लॉन्ग टर्म में कितने समय तक होल्ड करते हैं इस पर डिपेंड करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म भी अगर वीकली चार्ट पे कभी भी स्टॉक वीकनेस दिखाता है तो वीकली चार्ट पे आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ये भी याद रखें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो या मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग हो, वीकली चार्ट पर जब भी वीकनेस दिखाता है तो आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। और अगर आप 5 ईयर्स 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो मंथली चार्ट पर जब भी वीकनेस दिखाता है तो उस समय आपको एग्जिट हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा टेक्निकल एनालिसिस। अब हम चलते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो फंडामेंटल रूप से हम बात करेंगे स्टॉक्स कैसा है, क्या आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं। वैल्यूएशन पर हम सबसे पहले चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में। वैल्यूएशन देख लीजिए, कंपनी का जो मार्केट कैप है 34,000 करोड़ का है और पे जो है 267 का है। डिविडेंड 6% डिविडेंड जो है हमारा 60% का है। फेस वैल्यू 10 का है। अर्निंग पर शेयर 9.78 रुपीज़ है, तो जो कि काफ़ी अच्छा है। कॉर्पोरेट टैक्स पर चलते हैं, तो कॉर्पोरेट एक्शन पर चल करके आप कंपनी के जो कॉर्पोरेट एक्शन है जैसे डिविडेंड कब पे करती है, 2020 में एक बार, 19 में एक बार, 18, 17, 16 तो हर साल कंपनी डिविडेंड पे करती है। बोनस 2018 में कंपनी बोनस दिया है। स्टॉक स्प्लिट अभी तक कंपनी का नहीं हुआ है क्योंकि फेस वैल्यू 10 ही है। फाइनेंशियल पर चलते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल को देख सकते हैं कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी का फाइनेंशियल काफी मायने रखता है। कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट देखना होता है कि कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। कंपनी का सेल्स देख लीजिए लगातार इंक्रीज हुआ है, लेकिन एक बार यहाँ पर लॉकडाउन का जो इंपैक्ट है जिसके कारण कंपनी का लॉस यहाँ पर देख सकते हैं हुआ था 2020 के जून क्वार्टर में। ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स काफ़ी अच्छा है, लगातार सेल्स इंक्रीज हुआ है। 2016 से देख सकते हैं कंपनी का लगातार सेल्स इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। 2020 में थोड़ा सा एक क्वार्टर में लॉस होने के कारण कंपनी के प्रॉफिट पर असर पड़ा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी जबरदस्त है, थोड़ा सा शेयर प्लेज है, लेकिन ये इतना 2% शेयर प्लेज कोई खास मायने नहीं रखता है। तो 42% प्रमोटर्स का होल्डिंग है जो कि अच्छा खासा है। उसके बाद कंपनी के बैलेंस शीट देख सकते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट भी देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है फंडामेंटल एनालिसिस में। इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी के पास जो है 131 करोड़ का है। रिजर्व सरप्लस कंपनी के पास 990 करोड़ का है। तो कंपनी का रिजर्व सरप्लस अच्छा खासा है, लेकिन जो पिछला ईयर है मतलब पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा 2019 की तुलना में रिजर्व और सरप्लस थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंपनी का मात्र 10 करोड़ का है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंपनी जो पे करती है मात्र 10 करोड़ है, जो कि ठीक ठाक है, मतलब कुछ खास मतलब कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट इसका नहीं है। लॉन्ग टर्म बोर्डिंग कंपनी के पास है, तो लॉन्ग टर्म जो बोर्डिंग है कंपनी का जीरो है और कोई भी कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा डेट नहीं है। तो एक तरह से कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, कुछ खास डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कंपनी जो है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, तो जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक जब भी गिरावट मिले जरूर इन्वेस्ट करें। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा अच्छे स्टॉक्स को पिक करने में। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।